तो फ्रेंड्स हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इंटरफ्रेंस का जो सब टाइटल वेव ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम आप, आपको बताना चाहते हैं इसमें एग्ज़ाम्पल एक है कि वेन ट्रांसपेरेंट स्लिट्स आर पेस्टेड इन फ्रंट ऑफ स्लिट्स जैसे कि डायग्राम आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक सोर्स है और ये सोर्स से स्लिट की तरफ राइट जा रही है एंड वी हैव टू डिफरेंट स्लिट्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस एज वेल एज ऑफ डिफरेंट मीडियम And both are pasted. Uh, uh, both are pasted in front of these two slits, so you can uh, see that the ray coming from the original source first reaches to S one and S two, then afterwards it travels in this medium, uh, in which uh, at some point of time it crosses the transparent slab, and the lower wave also crosses a transparent slab of some different thickness and dif different uh, uh, indices. So index, you can say. So uh, we see that this is the condition. Now we have to find uh, the condition of uh, P to be bright. All uh, many other things that we have to calculate, and usually this is given as capital D, and uh, this is usual notation for uh, distance between slits, uh, distance between slits, and uh, this is how we can draw this pattern. अब हमें काम ये करना है कि जैसे ऑरिजिनली इसमें हम लोगों ने ये देखा कि जैसे अगर हमें ये पता करना हो कि भाई ज्योमेट्रिकल पाथ कितना है एस वन से बी का तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ कितना है ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ अगर कोई आपसे पूछता है ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ अगर आपको पूछना है तो तो ऊपर वाली लाइन का क्या हुआ एस वन पी हो गया दिख रहा है आपको एस वन पी तो दिस इज एस वन पी लेकिन अभी क्या है कि बीच में मीडियम चेंज हुआ है तो हमें ऑप्टिकल पाथ लेंथ चाहिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ फॉर द फर्स्ट रे एबव रे ना जो एबव अपर या अपर लिख दें इसको काट दें और अपर रे अपर रे और वेव ये हमें चाहिए तो इसमें क्या होगा दिस इज दिस इज जोमेट्रिकल पाथ लेंथ अभी क्या है कि अगर हमें काम करना है तो पहली बात तो हमें ये निकालना है कि एस वन पी इसको एस वन पी स्टार uh, से हम लोग अगर सेलेक्ट लिख दें तो इसमें क्या होगा कि एस वन पी माइनस थिकनेस ये तो एयर में है ही और बाकी हमारा क्या है कि एन वन एन वन टी वन ये हमारा ऑप्टिकल पाथ लेंथ आ गया है ना तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये एयर में ही है और ये मीडियम में है तो कन्वर्ट कर दिया एन वन इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लिट वन पेस्टेड इन फ्रंट ऑफ स्लिट वन दिस इज़ नेक्स्ट ऑफ स्लैब वन पेस्टेड इन फ्रंट ऑफ स्लिट वन तो ऐसे ही ये हम देखें तो क्या आ रहा है भाई इसको हम एस वन पी प्लस अगर टी हम कॉमन लें टी वन कॉमन लेने तो क्या बचा एन वन माइनस वन सिमिलरली एस टू पी स्टार विल बी इक्वल टू एस टू पी माइनस टी टू प्लस एन टू टी टू दिस इज इक्वल टू एस टू पी प्लस टी टू एन टू माइनस वन सो दिस इज एक्चुअली द ऑप्टिकल पाथ लेंथ तो हमारे पास ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ आ चुका है जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया अब हमें काम क्या करना है कि पाथ रिफ्रेंस निकालना है क्या पाथ यूजुअली हम यही काम करते आ रहे हैं पाथ डिफरेंस क्या होगा तो पाथ डिफरेंस में अच्छा यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ट्रांसपेरेंट स्लैब है उसको लगाने के बाद क्या हुआ है कि जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है वो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ से ज़्यादा है ना क्योंकि जो इंडेक्स की वैल्यू होती है वन से ज़्यादा होगी ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा तो कुल मिलाकर एक पॉजिटिव पॉजिटिव एक नंबर यहाँ पर प्लस में आ जाएगा ऐसे ही तो स्लैब लगाने से क्या हुआ है कि लाइट थोड़ी देर के लिए स्लोअर हो गई है तो उसका जो जितना उसको चलना था ना उसी टाइम में अगर उस टाइम में वो एयर में चल पाती तो ज़्यादा ट्रैवल कर पाती तो हम देख रहे हैं कि अभी भी जो ऑप्टिकल पाथल थे वो जोमेट्रिकल पाथल से ज़्यादा आ गया है तो पार डिफरेंस इफेक्टिवली कितना होगा एस टू पी स्टार माइनस एस वन पी स्टार तो ये कितना हो गया भाई यहाँ देख लेते ये क्या होगा कि अगर हम घटाएँगे तो एस टू पी माइनस एस वन पी ये तो आएगा ही यहाँ से अगर सपरेट करेंगे हम तो ये तो रहेगा ही एस टू पी माइनस एस वन पी और उसके बाद इसमें आ जाएगा प्लस एन टू माइनस वन टी टू माइनस एन वन माइनस वन टी वन है ना जाएगा अब इसमें देखो बहुत इंटरेस्टिंग है कि अब हम अगर देखें तो ये नया वाला पाथ डिफरेंस है तो नया वाला पाथ डिफरेंस यूजुअली जो होता था वो पहले डेल्टा एक्स हम लिखा करते थे ये प्लस कितना है दिस इज़ एन टू माइनस वन टी टू और माइनस एन वन माइनस वन माइनस एन वन माइनस वन टी वन ये आ गया अच्छा अब अगर हम चाहते हैं कि पॉइंट ब्राइट हो अच्छा ये एक ध्यान देने वाली